लेटेस्ट नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। पहला सवाल यह है कि गेहूं की रोटी खाने से क्या होता है, चलिए इस बारे में बात करते हैं। गेहूं की एक रोटी में 57 कैलोरी होती है। रोटी को बिना घी लगाए खाने से इसमें कैलोरी की मात्रा कम होती है और घी लगाने से कैलोरी बढ़ती है। इसलिए यदि आपको वजन कम करना है तो बिना घी लगाए ही रोटी खाएं, और यदि वजन बढ़ाना है तो घी लगाकर रोटी खाना चाहिए। इसमें मौजूद आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम और सेलेनियम कई बीमारियों को दूर रखने में मददगार होते हैं। सवाल नंबर 2, क्या रोटी खाने से मोटापा बढ़ता है? रोटी में करीब 20-22% फैट और 10% प्रोटीन होता है। बाकी रोटी में सोडियम जैसे मिनरल होते हैं। कुल मिलाकर रोटी एक हेल्दी खाना है और ये हमारे रूटीन फूड का हिस्सा है, इसलिए सही अनुपात में रोटी खाने से वजन बढ़ता नहीं बल्कि कम होता है। सवाल नंबर 3, वजन कम करने के लिए कौन सा आटा खाना चाहिए? इसका आंसर है ज्वार का आटा। जी हाँ दोस्तों, ज्वार का आटा प्रोटीन, फाइबर और विटामिन से भरपूर होता है और ज्वार में ग्लूटेन की मात्रा 0 होती है। यह तेजी से वजन कम कर आपको स्वस्थ रखने में मदद करता है। यह पाचन तंत्र को सही कर पेट संबंधी बीमारियों से भी निजात दिलाता है।